अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनलिव्स व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। यहाँ तैयारी स्टार्ट हो गई है जी सहरी की और बन रही है ज़बरदस्ती लस्सी। इसमें मैंने चीनी शामिल की और दही और थोड़ा सा पानी। ये देखिए जी, आज हमारी दही बहुत ही अच्छे तरीके से जम गई। देखें कितनी अच्छी दही जम गई आज हमारी। और यहाँ बन रहे हैं जी हमारे पराठे एज़ यूजुअल, क्योंकि सहरी बिना पराठों के तो हो ही नहीं सकती है। ये कभी ऐसा हो कि सहरी में पराठे नहीं हों, क्योंकि पूरा दिन गुजारना होता है तो बिना पराठों के तो नहीं। तो यहाँ जी आज पराठों के साथ ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं चने का जो है वो थोड़ा सा सालन भी बना लूँ। पता नहीं जैसे जैसे एंड होता जा रहा है ना, तो दही के साथ और उसके साथ ना लस्सी के साथ खाने का इतना दिल नहीं कर रहा है। तो आज जो है वो वाइट चने मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो साथ में चनों का सालन भी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने थोड़े से प्याज जो है वो चॉप किए, एक मीडियम से भी थोड़ा सा छोटा छोटा सा प्याज मैंने लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें डाला और साथ में मैंने उसमें डाल दिए जी टमाटर। और इसके साथ मैं सारे जितने भी होंगे मसाले इसके साथ में वो मैं डालूँगी। टमाटर पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि प्याज थोड़ा सा ना वो पराठा बनाते हैं बनाते ना थोड़े वो होने लगे, ज़्यादा ब्राउन होने लग गए थे। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये काले ही हो जाएं, इससे पहले टमाटर डाल दो इसमें। वो टमाटर डाले मैंने इसमें और अब जो है वो इसके अंदर मैं बाकी मसाले ऐड कर दूँगी। सिंपल से मसाले जी इसमें जाएंगे। नमक गया, हल्दी और सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया, ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। और फिर इसको हम मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से। और जब ये मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपना चने डाल के, फिर चनों को हम जो है वो भुना करें भुनेंगे। ये साथ साथ ही बन रहे हैं मेरे पराठे भी, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। और आप बताएं आपकी सहरी अफ्तारी कैसी गुज़र रही है? मैं कमेंट सेक्शन में इंतज़ार कर रही होती हूँ कि ना कोई मुझे बताए, लेकिन नया मेन्यू भी मेरे पास नहीं आया कोई। तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें। तो ये जी हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। हमारा जो मसाला अच्छे से भुन गया था, अब इसमें डाल दिए चने। चने फ्रीज हुए हुए थे, चने हमारे अच्छे से भुन गए जी। और इसमें चला जाएगा पानी, बस मुझे एक प्लेट ही बनाने थे तो इसमें बस थोड़ा सा पानी मैं शामिल कर दूंगी। इसको बॉयल आएगा तो ये रेडी हो जाएगा। चने हो गए हमने रेडी और अब ये जाएगा इसके अंदर गर्म मसाला, बिना लहसुन का पिसा हुआ गर्म मसाला। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जी, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।